हेलो एवरीवन, अब तो दशहरा हमारा खत्म हो गया। अब हमें टेंशन है दिवाली की सफाई की, तो दिवाली की सफाई अब हम कैसे करें इसका टेंशन अब डेली हमारे सीट पर बैठा पड़ा है कि इसकी सफाई हम कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें। और जिसके घर में बच्चे हैं तो उसे और भी टेंशन, कहीं घर का सामान आप बाहर किए तो बच्चों को देखो इतने बच्चे एक्टिव हो जाते हैं और इतने हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, बस मामा मैं हेल्प ही करना है मुझे, तो वो क्या होता है हमारे काम को और 2 गुना 4 गुना 10 गुना बढ़ाते ही रहते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप इजीली तरीके से अपने घर की सफाई किस तरह करेंगी कि आपको बिल्कुल हरासमेंट नहीं होगी और आप इजीली तरीके से अपने घर को साफ भी कर सकती हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी जो अपना टिप्स है मेरा, कि जैसे ही आपके बच्चे स्कूल चले जाते हैं आई मीन मॉर्निंग में, तो उसके बाद आप क्या कीजिए, तो चलिए स्टार्टिंग करेंगे हम अपने बेडरूम से। तो एक जब बेडरूम का जो हमारा रूम है उसकी सफाई हम स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे कि सबसे पहले एक बड़ा सा कार्टून ले लेंगे या आप एक बड़े से प्लास्टिक की थैली या कोई भी बड़ा सा डब्बा या बड़ा सा टब, कोई भी प्लास्टिक या बड़े से टब को या कुछ भी ले लो और स्टार्टिंग करो अपने कबर्ड से। तो कबर्ड को जब आप कपड़े अरेंज करो तो हमारे कबर्ड में बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो कि हम पहनते हैं, तो या कुछ कपड़े बहुत पुराने हो गए होते हैं तो हम उसे संजो के रखे रहते हैं। इसे तो मैं जब थोड़ी सी यहाँ जाऊँगी पहनूँगी, माँ के घर जाऊँगी तो पहनूँगी या उसके पार्टी पे पहनूँगी, या ये तो थोड़ा पुराना हो गया है मेरे में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं सोचो। सबसे इम्पोर्टेंस है जो आपको लगे कि ये मेरे यूज़ का बिल्कुल नहीं है, इसे मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती, उसे आप उस टब में डालती जाओ और अपने जो आपका कवर्ड है उसे अरेंज करती जाओ। इससे क्या होगा कि जो आपका कपड़ा है जो आपने अरेंज किया और जो फालतू का कचरा उसे निकाला वो आपके उस जो आपका टब है डब्बा है उसमें वो आ गया, तो इससे क्या हुआ कि हमारे कवर्ड साफ हो गए और जो हमारा रूम नीचे क्लीन है वो क्लीन भी रह गया, बेड भी हमारा बिल्कुल क्लीन रह गया, क्योंकि जो हमारा कपड़ा वगैरह हमने फालतू निकाला है वो उस टब में है, क्योंकि टब तो एक जगह हम रख सकते हैं उसे। और उसके बाद आप क्या करो कि फिर जो आपका मेकअप वाला अलमीरा है, मतलब मेकअप वाला ड्रॉवर है, उसके लिए भी आप एक छोटे से ये छोटा सा कार्टून या छोटा सा कुछ ये प्लास्टिक का टब वगैरह आता है छोटा सा, उसके लिए ले लो। फिर आप देखो कि आपकी कौन सी लिपस्टिक खराब हो गई है, कौन सा मेकअप का प्रोडक्ट जो आपका है वो बिल्कुल यूजलेस है या एक्सपायरी डेट हो उसका ख़त्म हो गया है, तो वो बिल्कुल फालतू है यूँ ही पड़ा हुआ है और वो उसे आप अपने घर में रखे हुए हैं। तो जहाँ भी आप सफाई करने जाओ तो इन सारे चीज़ों को आप मत सोचो, क्या आप नहीं यूज करोगे वो रखा ही रह जाएगा इसी तरह, तो इसे आप क्या करो कि आप उन्हें ले लो और उन्हें उस कार्टून में डालते जाओ या छोटे टब में डालते जाओ। इसे क्या करो कि अगर आप यूज कर करके बोर हो गए हो तो अपने काम वालियों को दे दो या आप कहीं डोनेट कर दो उसे, और फिर जो आपका रूम क्लीन है उसे फालतू के अपने रूम में जो भी फालतू का सामान है उसे अरेंज नहीं करो, और फिर बच्चों के आज पहले जो आपका टब है जो आप सारे सामान को आपने अरेंज करके रख दिया है, फिर उसे क्या करो कि जब रात में आप बैठो या फिर कभी जब शाम थोड़ी सी रिलैक्स हो के और बैठो तो देखो कि अब उनमें कौन कौन सा जो हमारा सामान टब में है, इनमें से मेरा क्या सामान जो है किसको देने लायक है, कौन से काम वाले को देने लायक है, या क्या हम किसी ऐसे बहुत सारे होते हैं जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं जिनको कि हम अपने कपड़े या हम अपने मेकअप के जो हमारा प्रोडक्ट है सामान है उन्हें हम शेयर करते हैं, उन्हें हम देते हैं, तो आप देख लो कि क्या चीज़ बेटर है और क्या चीज़ ज़्यादा यूज करने लायक आपके नहीं है, तो उन सभी चीज़ों को आप बिल्कुल हटा लो दिवाली में, नए यार लेके आओ, दिवाली आई है और दिवाली के दिन क्या पुराने सामान लेके बैठे हुए हो, नए नए लेके आओ अपने घर में, और जो आप पुराने हैं उसे आप कभी यूज करने नहीं आ करने वाले नहीं हो, क्योंकि ये मेरे साथ भी होता है, मैं भी पहले सारे सामानों को कपड़ों को यूँ संजो के रखी रहती थी, आए मैं तो इसे इस दिन पहनूंगी उस दिन पहनूंगी, यहाँ पर कहीं मैं नहीं पहनती थी वैसे ही पड़ा रह जाता था, तो लेकिन अब मैंने ये डिसाइड किया कि जो मेरे बिल्कुल काम के नहीं हैं मैं बिल्कुल घर में इस तरह कचरा जमा नहीं करूँगी और उन सबको मैं बिल्कुल हटा दूँगी। तो इस तरह करके आप एक एक रूम को आप अपना अरेंज कर लो। जो होता है हमारा किचन उसे आप सबसे लास्ट में सफाई उसकी करो, क्योंकि जो हमारा किचन है वो तो पर डे ही गंदा होना है उसको, क्योंकि उसमें हम खाना बनाते हैं और उसमें जो तलना और सब्जियाँ ये सारी चीज़ें बनती हैं, तो जो हमारे डब्बे हैं वो चिपचिपे होते रहते हैं, तो अगर आप इन डब्बों की सफाई दिवाली से 1 वीक या 2 वीक पहले आप कर दोगे तो वो डब्बे आपके फिर से गंदे हो जाएंगे, तो क्या होता है कि रूम के
सफाई करने के बाद फिर ऐसा नहीं रहता है कि हम जल्दी जल्दी डब्बों को धो लें। तो जब आप पूरे रूम की सफाई कर लोगे उसके बाद आप क्या करना कि अपना जो आपका किचन है, किचन में आप एक बड़े से थैले को लेना या जो भी हो। तो बहुत सारी ऐसे आती हैं कि बॉर्नविटा का डब्बा ख़त्म रहता है, आज जैम ख़त्म है, तो कोई सॉस ख़त्म है, तो ये डब्बा फालतू पड़ा है, वो डब्बा फालतू पड़ा है। इन सभी को आप एक एक करके निकाल लो। अगर वो आपके यूज़ के लिए है तो आप इनको क्या तो सिंक के पास डाल दो या बाहर बालकनी के में रख दो। और काम वाली अगर आती है तो आप उससे बोलो, वो इजली साफ कर देगी। और अगर वो काम वाली आपके पास घर नहीं है तो आप धीरे धीरे करके एक बार सारे किचन के डब्बे को बाहर कर लो और जो आपके यूज लायक हैं उनको एक एक करके आप साफ करके और इकट्ठे रख लो। और किचन में हमारा जो है जो सारे सामान हम हैं तो एक अलमीरा से शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि हम किचन का सारा सामान बाहर कर लिए और पता चला कि जब सारे सामान बिखेर गए तो हाँ दिमाग की तो बत्ती ही बंद हो गई, कहाँ से चार्ज करूँ, किस वाले डब्बे को दूँ, देख के परेशानी होने लगेगी या फिर इतना ओवर काम करके इतना ज़्यादा थक जाओगे, इतनी हरासमेंट हो जाएगी कि हो सकता है आप बीमार हो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाए, तो फिर फैमिली परेशान होगी, आप भी परेशान होंगे। तो इसलिए आप एक एक करके इजीली तरीके से और बहुत ही शांति से आप अपने रूमों की सफाई करें। और किचन जो हमारा है उसे मैंने बताया जैसे कि अगर आप जो भी कवर्ड ड्रॉअर जो भी आपका है वो अगर आप खोलती हैं तो एक एक करके फ्रिज को आप ले लीजिए कि फ्रिज की सफाई मुझे एक दिन करनी है, एक दिन मैं ओनली फ्रिज की सफाई ही करूँगी। तो उससे क्या होगा क्योंकि फ्रिज में भी हमारे बहुत सारे सामान पड़े रहते हैं और फ्रिज की भी सफाई अगर आप अच्छे से करें तो वो काफ़ी एक दिन के लिए तो फ्रिज ही काफ़ी होता है। क्योंकि जब हम दिवाली की सफाई करते हैं तो थोड़ी बारीकी से करते हैं, बिल्कुल ही अच्छे से करते हैं। तो एक दिन में करो या आप अगर आपके घर काम वाली है तो आप वो निकाल के दे दो उसको फ्रिज के, या वो धो देगी, फिर वो सूख जाने पे आप उसे तवे से साफ करके फिर आप उसे अरेंज कर दो। और डब्बे जो हैं जो कवर्ड का आपका है तो एक एक करके अरेंज आप करते रहो, सारे डब्बों को अरेंज करते रहो, फिर दूसरा कवर्ड कर लो। फिर क्या हुआ कि अगर उस दिन आप एक ही कवर्ड को या एक ही अलमीरे को आप अरेंज करने में थक गई तो क्या होता है कि हाँ चलो एक कवर्ड मैंने साफ़ कर दिया और अगर साफ़ किया है तो उसके सामान मैंने अरेंज कर लिए, चल यार दूसरा कवर्ड मैं कल साफ़ कर लूँगी, ये फीलिंग आएगी हमें। और अगर आप सारा सामान निकाल के व्यस्त हो तो वो सुबह तक आपके यूं सिर्फ चक्कर देते रहेंगे कि हाँ मैंने तो सारे यूं निकाल के फेंक दिए, कैसे मैं खाना बनाऊँ और क्या करूँ, और बच्चे आपके पास हैं तो सोचिए कि आप तो पूरी बीमारी होने वाली है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है और मैंने ऐसा किया है तो ये मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगा है, एकदम बिल्कुल एकदम रिलैक्स होके और आसानी से मैं ये सारे कामों को कर लेती हूँ। तो मुझे लगा कि मेरा ये टिप्स है तो मैं आपके साथ भी शेयर करूं जिससे आप दिवाली की सफाई बिल्कुल इजीली तरीके से आप कर सकें। तो आप ये टारगेट बना लीजिए कि पर डे मुझे वन रूम साफ़ करना है, एक रूम को मुझे एक दिन में साफ़ करना है, ना कि पूरे रूम को आप एक ही दिन लेके बैठ जाओ। और नहीं तो अगर आप दो पर्सन हो तो भी आप पूरे रूम की सफाई नहीं करो, एक एक रूम का सफाई जो है आप एक रूम की सफाई एक एक दिन में ही करो। और अगर बहुत सारे लोग हैं तो फिर सभी अपने अपने रूम की सफाई कर लो। इस तरह आप रूमों की सफाई कर सकते हो इसी तरीके से एक एक करके। तो मुझे मैंने सीखा है और मैं इसी तरह से अपने सफाई करती हूँ रूमों की। तो मैं भी कल से स्टार्ट करूँगी अपना, अभी तो दशहरा का मैंने पूरा सफाई किया था तो दशहरा तो मेरा ख़त्म हो गया, इसमें मेरा फास्ट भी था तो अभी तो मैं थकी हूँ, इसलिए अभी तो मैं दो दिन बिल्कुल कुछ नहीं करने वाली। और मैं थर्ड डे से स्टार्ट करूंगी एक एक सफाई, और मैं सबसे पहले मैं भी वही अपने कवर्ड अपने बेडरूम से स्टार्ट करूंगी और ये सारे एक एक रूम करके मैं खुद ही करती हूँ, अकेली करती हूँ। काम वाली यार बिल्कुल टेंशन है, उनसे तो करो और सिर दर्द बढ़ जाएगा उनसे करने के बाद। तो आप खुद ही करो और अच्छे से करो और इस तरह करो, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। सारा सामान आप एक साथ नहीं निकालना, प्लीज़ 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 एक एक करके सफाई करना, आप बिल्कुल परफेक्ट रहोगे, अच्छे रहोगे और आप थकोगे भी नहीं। तो मैंने ये बताया आपको, भाई मैं दिवाली की सफाई करने जा रही थी तो मैंने लगा मैं अपने टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, जो मेरे अनुभव हैं मैं आप लोगों को भी बता दूँ ताकि आप लोगों को अगर लगे कि नहीं मैं सही कह रही हूँ और ऐसा करने से आपको लगे कि नहीं आपका हेल्प हो रहा है और अच्छा लग रहा है आपको करने में और मेरा ये जो सजेशन है आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना मेरे वीडियो को और कमेंट में लिख के बताना मुझे कि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल रही आपके लिए नहीं, और आपको सफाई करने में कैसा लगा, क्या मैं वाकई में ऐसे ही बस यूँ बाबा बाबा कर रही हूँ या कुछ फ़ायदा हुआ आप लोगों को। तो और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लेना बस। दिवाली के दिन मिलते हैं, चलो बाय बाय।